तो दोस्तों अभी समय है 5:30 बजे और मैं मेरे गांव के बस स्टैंड पे आ गया हूँ। अंधेरा ही अंधेरा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फाइनली अब बस मिल गई है और बस में बहुत शोर हो रहा है, तो बस की आवाज़ मैंने जैसे जैसे करके म्यूट की है और आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कितने बजे वहाँ आगे पहुँचते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो जब मैं बैठा था तब तो बस खाली थी, लेकिन अभी कुछ लोग अंदर आ गए हैं और अभी मैं सागवाड़ा पहुंच गया हूं। बाहर का दृश्य दिखाता हूं आपको। सागवाड़ा है, सागवाड़ा में ये बस रुकी हुई है। और सब आगे चलते हैं अब। माही नदी और इसमें पानी बिल्कुल नाम मात्र का है। इस बार बारिश भी हुई है, पता नहीं क्या होने वाला है। बादल छाते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं यार। तो अगरपुर आ गए हैं हम और ये बांसवाड़ा का पुराना बस स्टैंड, चारों तरफ कीचड़। तो अब मैंने बस चेंज की है और यहाँ पर मैंने लिया है पॉपकॉर्न, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी। अगर आपने कभी खाया हो, नहीं खाया हो तो खाना, ये बहुत शानदार चीज़ है। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैंने 2 लिए हैं, 1 एंड 1। बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है, देखो बादल हैं, पहाड़ पे ऊपर उतर आए हैं, हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही है बाहर और ऐसा लग रहा है कि हिमालय में घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है हिमालय में घूम रहे हैं ऐसा, लेकिन ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, बहुत ही खुशनुमा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश बांसवाड़ा में ही होती है और बरसात में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है बांसवाड़ा। अगर आप भी आइए, मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे एक झरना है, झरने में हम नहा रहे हैं, वो अब वो वीडियो भी देखना पूरा। तो भाई अभी सीन ये है कि टाइम हो गया है, सबसे पहले तो 11:30 बज गए हैं और मैं पहुँचा हूँ। पहुँच के मैंने काम किया, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे, रास्ते में तो बादल ही बादल थे, लेकिन यहाँ पे आके ऐसी बारिश हुई कि बस से निकलने के बाद सीधा अपने रूम पर आते आते मैं भीग गया और कपड़े पीछे भीग रहे हैं, देख रहे हैं आपको सूखे हुए लगे लटक रहे हैं। तो पंखा अभी मैंने चलाया नहीं है, पंखे की आवाज़ आती है इसलिए। तो घर से टिफ़िन लेके आया हूँ, तो देखते हैं उसमें क्या है। वैसे तो मुझे पता ही है क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो खानों में है एक तो पूड़ी और ये टिंडोरी की सब्ज़ी है, इसको गिलकी भी बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अलग अलग, और नमकीन है और यहाँ पर है पापड़। ये 4 चीज़ें हैं और इन 4 चीज़ों के साथ पाँचवा आप भूल गया, पाँचवा मैंने कल आपको दिखाया था, ये पतंजलि का घी है। तो बस इसी को भोजन करना है। अपना एक दोस्त भी है, दोस्त के साथ शेयर करते हैं टिफ़िन, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दोस्त मेरे मना करते हैं। दोस्त चाहते हैं कि मैं उनका फ़ोटो नहीं लूं या उनको कैमरे के अंदर शामिल नहीं करूं, वीडियो में शामिल नहीं करूं। तो मैं अभी उनके साथ शेयर करूंगा और खाएंगे फिर बैठ के। तो बस में आते आते मैंने हंगामा 2 देख ली फाइनली। मतलब बहुत परेशान हुआ यार, कब देखने मिलेगी, पता नहीं कैसी है, लेकिन देख ली मैंने। और आपको मैं इसका ओरिजिनल रिव्यू दूंगा भाई, कोई फेक नहीं इसमें। मतलब हंगामा जो फर्स्ट थी वैसी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसमें एवरेज कॉमेडी है और जो परेश रावल साहब है उनकी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, फर्जी रोल दिया गया इनको। लेकिन आशुतोष राणा जो रोल है वो बहुत बढ़िया दिखाया गया है। परेश रावल जी को थोड़ी कॉमेडी इनके हिस्से में कम दी है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे रखी है, इसलिए वो मज़ेदार नहीं है। तो कुल मिला के अपन 5 में से इसको 2 स्टार दूंगा मैं तो, 2 या 3 स्टार, इससे ज़्यादा देखने लायक नहीं है। 1 टाइम मूवी है, एक बार देख लो आपके पास फ्री टाइम है तो, बाकी टाइम निकाल के देखूँ ऐसा मत करना, कोई इतना ज़बरदस्ती वाला नहीं है। परेश रावल साहब का बहुत बढ़िया उपयोग हो सकता था यहाँ पे कॉमेडी में, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार। ये सुबह जल्दी उठ गया था ना, मोबाइल देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और अब उठा हूँ तो देख रहा हूँ कि 4 बज गए शाम के। अब मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो चलते हैं अपन। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। चाय पीने का टाइम आ गया है भाई, हमारे भाई साहब चाय पीने के लिए रुके हैं। पेट्रोल का भाव है 110.94, 111 रुपये नहीं है सर। चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा, एक तरफ पूरा पहाड़ है और एक तरफ ये नीचे खाई है, इस तरफ ये देखो ये पहाड़ है ऊंचा और हरियाली है पूरी। बरसात के मौसम में बहुत ही सुंदर हो जाता है,
और इस तरफ नीचे की तरफ खाई है, गहरा है और हरियाली पूरी है और जंगल है ये पूरा, है ना। यहाँ पर पैंथर वगैरह घूमते रहते हैं और अभी तो शाम का टाइम है इसलिए कोई बाहर आएगा नहीं शायद, लगभग जहाँ तक सवाल है, क्योंकि वो शर्मिला जीव है ना इसलिए जल्दी से बाहर आता नहीं है, वो रात को ही निकलता शिकार के लिए। और यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, दाएँ बाएँ इधर उधर घूमती हुई, कहीं भी सीधी सड़क नहीं मिलेगी। नदी नाले अभी सूखे पड़े हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई नहीं है। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाओ कुछ ऐसी बात कर। गौ माता, धरती माता, ये गांधी जी की गाय है, बकरिया बकरिया। हम उसको हमारे पुराने दिन ताजा होता है। गाय और बकरियों के बाद भैंस है आपके लिए, भैंस क्या, भैंस भी गाय भी बकरियां सब मिक्स है इसमें। तो यार RSS का गुरु दक्षिणा प्रोग्राम है आज। तो दोस्तों अब समय हो गया है 7:30 बजे और हम वापस निकल गए हैं। तो जैसा कि आपने ये प्रोग्राम में देखा, हम एक RSS के प्रोग्राम में थे, चले गए थे, मतलब वैसे कुछ नहीं पर प्रोग्राम था तो चले गए, क्या है देखते हैं क्या होता है। अगर आपको भी लगता है कि जूता चाहिए है तो जुइए, कहीं आसपास पता कीजिए, कहीं ना कहीं शाखा लगती होगी और बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। एक बार जाके देखिए कैसा लगता है, देखिए फिर और कमेंट करके बताना मेरे को कि आपको संघ की शाखा में जाने के बाद कैसा लगा है। दोस्तों अंधेरा हो चुका है, दोनों तरफ जंगल है, थोड़ा डर भी लग रहा है। दोस्तों 8 बज चुके हैं और हम कुशलगढ़ शहर में एंट्री कर ली है वापस कस्बे में, और रूम की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए हमारे रूम का रास्ता, ये SBI बैंक बस स्टैंड के पास। तो भाई अब घूम के आए हैं बाहर से और बहुत थकान लग गई है, पूरा दिन घूमने उमने में निकल गया और पता नहीं चल रहा क्या करें, अब थक के आए हैं। लेकिन अब देखो स्थिति ये है, अकेले रहते हो तो क्या होता है कि आके खुद ही अपना खाना बनाओ खाओ, यहाँ तो बना बनाया मिलने वाला है नहीं, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। अब सोचता हूँ क्या बनाऊँ यार, सुबह की थोड़ी सी दाल पड़ी है, मैंने तो सुबह खाना खाया नहीं था, मतलब घर से लेके आया था वही खाया था, थोड़ी सी दाल पड़ी है, देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ जुगाड़ होगा तो कुछ पेट पूजा हो जाएगी। तो शाम का खाना अब तैयार है और शाम के खाने में है चावल, चावल के ऊपर डाला जाएगा अब घी, और घी मेरे पास यहाँ पर है, घी थोड़ा ज़्यादा ही खाता हूँ मैं, टेस्ट अच्छा लगता है, मोटापा वोटापा होगा वो तो बाद में देखा जाएगा जब होगा तब, लेकिन अभी जब तक जिंदगी है तब तक तो जीवे। चारवाक का दर्शन है अपने घर को भी सुना हो तो, और यहाँ हमारे पास दाल तैयार है। चारवाक का दर्शन है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहि पुनरागमन कुतः, यानी कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लो और घी पियो, यह देह तो भस्म हो जाने वाली है और इस धरती पे क्या पता कब आने मिले नहीं आने मिले, किसने देखा। तो बस अभी शुरू करते हैं भोजन। तो भाई अब खाना खा लिया है और टाइम हो गया है 10 बजे रात के, तो अब मेरे को वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है। दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बार बार हिलता रहता है, जब कैमरा लाएंगे 40-50 हज़ार का कैमरा आता है, जब वो लाएंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, पर अभी क्या है बजट की शॉर्टेज है इसलिए ऐसे ही चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।